दोस्तों, अक्सर हम अभिनेत्रियों को अभिनेताओं से कम आंकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका भी योगदान एक फिल्म में उतना ही होता है जितना कि अभिनेताओं का, क्योंकि फिल्म तभी पूरी होती है जब उस फिल्म में नायिका भी शामिल रहती है। फिल्मी दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने अपनी किस्मत आजमाई है और उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। उन्हीं में से आज हम एक ऐसी अदाकारा की बात करने वाले हैं जिसने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में अपनी अदाकारी से जान भर दिया और दर्शकों को रंगमंच तक आने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 50 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार अदाकारा गीता बाली की, जिसने फिल्मों की दुनिया में आने के बाद अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर दिया। महज 10 साल में करीब 70 फिल्में करके उन्होंने अपने आप को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया और अपने आप को मशहूर अदाकाराओं में शामिल किया। दोस्तों, आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों और उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी जीवन, साथ ही साथ निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहे। गीता बाली का जन्म 30 नवंबर साल 1930 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान के पाकिस्तान में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम हरकीर्तन कौर था। हालांकि उनकी शिक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके माता पिता उन्हें शास्त्रीय संगीत, नृत्य और घुड़सवारी जैसी चीजों के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। कहा जाता है कि रूढ़ीवादी सिखों ने सामाजिक रूप से उनका और उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी और साथ ही थिएटर का भी घेराव किया था। बहरहाल, गीता नृत्य में काफी अच्छी थी और उनका रुझान फिल्मों की तरफ गया। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने साल 1942 में फिल्म द मूची से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने साल 1946 में केदार शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म बदनामी से बतौर अभिनेत्री एक वयस्क के रूप में अभिनय किया और उनके करियर की ये दूसरी फिल्म थी। उनके अलावा फिल्म में बलराज सहानी, आशा भोसले, जुबेदा बेगम और प्राण जैसे कलाकार भी शामिल थे। फिल्म में उन्होंने अच्छा अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के ऊपर वो खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। करीब 2 साल बाद उन्हें साल 1948 में फिर एक फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला और वो फिल्म थी सुहागरात, जो उनकी तीसरी फिल्म थी। और एक बार फिर केदार शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म सुहागरात में उन्हें मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें उनके साथ मशहूर अभिनेता भारत भूषण बैली के रूप में और अभिनेत्री बेगम पारा पारो के रूप में दिखाई दी और खुद गीता कम्मो के किरदार में दिखाई दी। इसके अलावा इस फिल्म में पैसी पटेल, मारुति और नजीम कश्मीरी जैसे कलाकार भी शामिल थे। दर्शकों द्वारा उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उसके बाद वो अपनी चौथी फिल्म नेकी और बदी में दिखाई दी, जो एक देशभक्ति ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म को भी निर्देशक केदार शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें उन्होंने गीता और मधुबाला के साथ स्वयं अभिनय किया। हालांकि गीता ने इसमें बेबी के रूप में मधुबाला की सह कलाकार की भूमिका निभाया था। इसके अलावा फिल्म में उमा दत्त, पेशी पटेल और कृष्णा जैसे कलाकारों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। दर्शकों ने फिल्म को काफी प्यार दिया। इसके बाद उसी साल उन्होंने मधुबाला की सह कलाकार के रूप में फिल्म दुलारी में भी अभिनय किया, जिसे निर्देशक A.R. कारदार द्वारा निर्देशित किया गया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी बहन, निशाना, बावरे नैन, बाजी, घायल, राग रंग, आनंद मठ, बास, कश्ती और जवाब जैसी मशहूर फिल्मों में अभिनय किया। अगर बात करें उनकी सुपरहिट फिल्मों की, तो उनकी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है साल 1951 की फिल्म अलबेला। भगवान दादा के निर्देशन में बनी फिल्म अलबेला एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म थी, जो साल 1951 में रिलीज हुई थी और काफी चर्चा में रही। बतौर मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इस फिल्म के निर्देशक भगवान दादा स्वयं शामिल थे। गीता बाली ने उनके साथ मिलकर शानदार अभिनय किया। दर्शकों द्वारा उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। इसके अलावा फिल्म में बद्री प्रसाद, सुंदर, प्रतिमा देवी, दुलारी और बिमला जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे। साल 1953 में इस फिल्म को तमिल भाषा में नल्ला थंगई के रूप में भी डब किया गया। उसके बाद निर्देशक गुरुदत्त के निर्देशन में बनी फिल्म जाल एक क्राइम जॉनर की फिल्म थी, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में वो मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही और उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म का हर एक गाना दर्शकों को बहुत पसंद आया, खासकर ये रात ये चांदनी फिर कहां। इसके अलावा साल 1955 में निर्देशक राज ऋषि द्वारा निर्देशित और देवेंद्र गोयल द्वारा निर्मित फिल्म
वचन बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही, जिसमें अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ वो मुख्य भूमिका में नजर आईं। वहीं पर राजेंद्र कुमार की ये पहली प्रमुख भूमिका वाली फिल्म थी। उनके अलावा फिल्म में मदनपुरी भी शामिल थे। दर्शकों ने फिल्म को बहुत पसंद किया। इन सब फिल्मों से गीता बाली दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने इसके अलावा कई और शानदार फिल्मों में शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया है, जैसे कवि, कॉफी हाउस, जेलर, अजीब शुक्रिया, मिस्टर इंडिया और उनकी आखिरी फिल्म थी जब से तुम्हें देखा है, जो साल 1963 में रिलीज हुई थी। गीता ने 23 अगस्त साल 1955 में मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर को अपना जीवन साथी बनाया। कहते हैं कि दोनों का प्यार फिल्म रंगीन रातें से परवान चढ़ा। हालांकि दोनों के परिवार वाले शादी के लिए सहमत नहीं थे और आखिरकार अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। कुछ समय तक नाराज रहने के बाद वो मान गए। कपूर खानदान में शादी करने के बाद जो भी बहुएं अभिनेत्री के रूप में काम करती थी, अक्सर उन अभिनेत्रियों ने फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन गीता ने ऐसा नहीं किया और शादी के बाद अपनी आखिरी सांस तक वो फिल्मों में काम करती रहीं। हालांकि करीब 10 सालों तक अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के बाद चेचक की बीमारी के चलते साल 1965 में उनका निधन हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गई। उनके पति इस सदमे को सह नहीं पाए और गम में डूब गए। वो इस कदर टूट गए कि जिसका असर उनकी फिल्मों पर पड़ना शुरू हो गया। हालांकि गीता की मृत्यु के करीब 4 साल बाद उन्होंने उनकी सहेली नीला को शादी के लिए प्रपोज किया और वो मान गई। लेकिन शम्मी ने उनके सामने एक शर्त और रखी कि वो कभी माँ नहीं बनेंगी और उनके बच्चों को ही अपना बच्चा समझकर पालेंगी। नीला ने इस शर्त को भी मान लिया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। गीता के 2 बच्चे हैं, बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन। हालांकि अभिनेता आदित्य ने कुछ फिल्मों के जरिए अपनी किस्मत आजमाई लेकिन सफल नहीं हुए। उनकी पत्नी का नाम प्रीति कपूर है और दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटी तुलसी कपूर और बेटा विश्व प्रताप कपूर। तुलसी एक सिंगर और सॉन्ग राइटर है। कंचन ने फिल्म मेकर मोहन देसाई के बेटे केतन देसाई से शादी किया है। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटी हैं, फिल्म निर्माता पूजा देसाई और राज राजेश्वरी देसाई। मशहूर रंगमंच अभिनेता पृथ्वीराज कपूर गीता के ससुर थे। उनके पिता का नाम पंडित करतार सिंह था और उनकी माता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हरदर्शन कौर उनकी बहन है, जिसकी बेटी मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली है। योगिता के पति का नाम मिथुन चक्रवर्ती है। वहीं पर गीता के भाई का नाम दिग्विजय सिंह बाली है, जो एक मशहूर निर्देशक हैं। फिल्मों में शानदार अभिनय के चलते उन्हें पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया है। जैसे साल 1955 में उन्हें फिल्म वचन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और साथ ही फिल्म कवि के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया। दोस्तों, उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता था। महज 34 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल किया, जो हर किसी के लिए करना आसान नहीं होता। अपने आखिरी सांस तक फिल्मों से जुड़ी गीता बाली दर्शकों के बीच अपने अभिनय के जरिए वो यादें छोड़कर गई हैं, जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।